इधर आओ इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। क्या 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 क्या, इधर तो आओ। हाँ आ गया आ गया आ गया, इधर आओ। ये देखो ये देखो, कबूतरी ने अंडे दिए थे ना, उसमें ये छोटे छोटे बच्चे निकले थे। अब देखो कितने बड़े हो गए, ये देखो कितने बड़े हो गए, देख रहे हो माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए अब ये। और दूसरा भी देखो, ये एक दिन बाद हुआ था, इसके भी देखो कितने अच्छे पर आ रहे हैं। ये ब्राउन और वाइट, और ये ब्लैक और ब्राउन कलर में, कितने खूबसूरत है ना, सही है माल भाई। ये ब्राउन वाला तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ हाँ देखो कितना खूबसूरत है ना, ये देखो ब्राउन पर हैं और वाइट पर हैं, और मुंह देखो इसका, ये देखो मुंह भी कितना खूबसूरत है इसका, ये देखो है ना। अब हम इसको वापसी ऊपर रख देते हैं, इनके माँ बाप आवाज कर रहे हैं, जल्दी से हम इनको ऊपर रखते हैं जाके। आ गए आ गए आ गए, तुम्हारे बच्चे आ गए आ गए आ गए, ये हम आ गए इनके पिंजरे के पास। ये रहे तुम्हारे बच्चे, ये हमने वापसी इनको इनके दड़बों में रख दिया है। वाले को भी ले आते हैं जल्दी से, कहाँ है दूसरा वाला, कहाँ है। ये रहा, ये देखें, ये कैसे बिल्कुल ब्लैक, ये देखें पूरा व्यू देखें इसका, कितना खूबसूरत है। इसको भी अब हम जल्दी से जाके ऊपर रख देते हैं। चलो भाई चलो, और इसका हम नाम क्या रखें? अगर आप वीडियो देखें तो आप इन दोनों के नाम भी कमेंट्स कर सकते हैं कि हम, ये देखें ये बिल्कुल लाल ब्लैक और ब्राउन है, इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि हम इनका क्या नाम रखें। और ये वाला जो है, ये देखें इसकी चोंच वाइट है और आँखें ब्लैक हैं और वाइट और ब्राउन बच्चा है ये। आप इसका भी नाम बता सकते हैं कि हम इसका क्या नाम रखें। और ये इसका अब्बा है, और ये बच्चे कितने खूबसूरत हैं। पिंजरे में लाके हमने अपने जो दीगर परिंदे थे, जिसमें ये देखें ये दो तोते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन तोते दो, और इधर हमने डफ रखी हुई है। डफ पहले इस बड़े वाले पिंजरे में रखी हुई थी, लेकिन अभी ये देखें ये अंडों पे बैठी हुई है। इसने अंडे दे दिए थे ना, तो ये डफ इनको तंग ना करे, क्योंकि ये बड़ी है और फिंचे छोटी होती हैं, तो इसी वजह से इसमें अंडे दिए हैं। वो देखें एक दिख रहा है, लेकिन इसके ये घासों की वजह से थोड़ा सा दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वो बनाया हुआ है अपना घोंसला पिंजरे के अंदर, और इसमें भी दिया हुआ है, बाकी मटकियों में भी हो सकता है इन्होंने अंडे दिए हों। तो इसी वजह से हमने ये डफ को इनके पिंजरों से निकाल के ये इस पिंजरे में रख दिए। और तोते भी इधर बड़े खुश हैं, और इनका बॉक्स भी हमने लगा दिया है, और ये बड़े ही खुश हो गए हैं इधर।